देखते हैं इस आंकड़े को, क्या बहुत समय से जो कोशिशें चल रही थी हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की, एक जो परिभाषा है उसको समझाने की, वो काम आई है? क्या ये समझ आई है कि एक ही बच्चे करें या दो ही बच्चा करें, उसको ढंग से पालें? क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में नंबर जो फर्टिलिटी रेट का है वो और कम हो जाता है। तो क्या थोड़ा सा एक सेंस वो भी आया है, इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी बड़ी हुई है इतने सालों से, तो लोगों को लग रहा है कि ढंग से एक या दो बच्चों को ही पाल के उन्हें ही सही सुविधाएं दे दें इंस्टेड ऑफ और ज़्यादा बच्चे करने के? देखिए, इसको मैं दो परिवेश में बताना चाहूँगा। अभी जो दो पैनलिस्ट ने और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन का जो लेवल बढ़ा है उससे लोगों में समझ आई है, और उस समझ के कारण जो है, जो पहले बहुत ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, अब लोग स्टक कर गए हैं और जितना दो बच्चों पे, तीन बच्चों पे रुक जाते हैं। लेकिन एक दूसरा परिवेश जो सामाजिक परिवेश है वो हमें समझना पड़ेगा, और इस परिवेश जो पहले वाला पॉइंट था उस पर तो डेफिनेटली हमें चीयर्स करना चाहिए और वो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक जो दूसरा परिवेश है वहां पर बहुत बड़ी चिंता भी है। वो चिंता ये है, जो दूसरा परिवेश है, कि एक वो समुदाय या एक वो जिसे हम कहेंगे द टारगेट पॉपुलेशन जो पहले बहुत ज्यादा बच्चे कर रही थी वो अब कम बच्चों पर आ गई है या नहीं आई है। लेकिन एक ऐसी पॉपुलेशन है जो दो बच्चे चाहती है और उनके एक भी नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मैं जिस NFHS 5 की रिपोर्ट पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, उसी NFHS 5 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 5 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस डबल हुआ है, एंड द सेक्सुअल वायलेंस लीड्स टुवर्ड्स दी इनफर्टिलिटी। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं इस बात को। जब हम एनीमिया अमंग वुमेन की बात करते हैं, मैरिड वुमेन की बात करते हैं, तो वो भी बड़ा है। एट द सेम टाइम जब हम टेस्ट करते हैं कि ड्रंकर्ड हस्बैंड में एनीमिया का क्या स्टेटस है, तो वो कम है। एक आदमी एक औरत एक ही घर में रह रहे हैं, उस घर में आदमी शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, और वो एनेमिक नहीं है। एक विमेन है जो खाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एनेमिक है। तो जो फर्टिलिटी रेट गिरा है, इसका एक बड़ा कारण जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है, इसका एक बड़ा कारण सेक्सुअल वायलेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का इजाफा होना भी है। ड्यूरिंग कोविड किस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, घरों में अपराध बढ़े हैं, वो एक बड़ा कारण है। और ये वो ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चा चाहते हैं, एक बच्चा भी चाहते हैं, लेकिन उनके एक भी नहीं हो रहा है। पहले हमने कभी नहीं देखा था कि ऑटो के पीछे एड चलती थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करा लीजिए या IVF करा लीजिए। पहले कोई 5 साल पहले इस तरीके की एड्स नहीं होती थी। आप इसका भी ग्राफ उठा करके देखिए कि पिछले 5 सालों में IVF का बिजनेस कई जी, गुना बढ़ा है। पहली चीज़ क्या है, वॉलेंट्री है जो ये नंबर में चेंज आया है, और दूसरा क्या मेथड्स रहे हैं जिनकी वजह से आज आप इसमें बदलाव देखते हैं? और जो आइडियल हमेशा कहा जाता है कि 2.1 है, हम 2 पे हैं, तो क्या आगे जाके डेमोग्राफिकली ये दिक्कत दे सकता है? ग्रास रूट पे काम करते हैं और रूरल स्लम्स और अर्बन स्लम्स दोनों में काम करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं एंड दीज पीपल आर टेक्निकल पीपल, तो टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, दे आर मच 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 सीनियर देन मी। बट मैं कुछ बेसिक चीजों पे जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, आज से जब आप 7 साल पहले, 8 साल पहले ना सर, टीवी पर एड नहीं आया करती थी कि 72 घंटे में आप दवाई ले लीजिए और बच्चा गिर जाएगा। जो दवाइयां पहले डॉक्टर की रिकमेंडेशन से डॉक्टर दिया करते थे, पिछले कुछ सालों में उनका ऐसा बाजारीकरण हुआ है कि वो जनरल स्टोर पर भी मिलनी शुरू हो गई है। छोटे छोटे जो स्लम्स है ना सर, वहां पर मैं दवाइयों के नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ब्रांड्स का मामला आ जाता है, तो लेकिन हम सब जान में जान आप सब जानते हैं कि मैं किन दवाइयों की बात कर रहा हूँ, जो एक गोली खाई है 72 घंटे के अंदर और बच्चा नहीं होगा। तो टीवी पर जब एड आनी शुरू हुई और बड़े बड़े कलाकारों ने एड उनमें मतलब ब्रांडिंग करनी शुरू करी, तो जो कम पढ़ी लिखी भी जो महिलाएं थी, जो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, डॉक्टर नहीं जा पाती थी या वेट नहीं कर पाती थी, इधर आप इंटीमेट हुए और अगले दिन आपने टैबलेट ले लिया, ये वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। हमने इस पर पिछले साल एक सेमिनार किया था, बहुत बड़ा सेमिनार किया था, उसमें सर हमने कॉलेज गर्ल्स से भी बात करी, स्लम गर्ल्स से भी बात करी, वुमेन से भी बात करी, जो मैरिड वुमेन है उनसे भी बात करी।
उन सभी के बीच जो पहले माला डी का कंसेप्ट होता था कि 30 दिन तक जो है या डेली कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी है वो लेनी है, सर वो कंसेप्ट खत्म हुआ और ये वन टाइम वाला इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो जिस रेशियो पर और जिस डेटा पर हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल उसका है। ये जो मेथड पिछले कुछ दिनों में आए हैं ये भी एक बड़ा कारण है। कॉस्मेटिक के रूप में दवाइयां मिलने लगी हैं और उसके जो हार्म्स हैं वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हमने इस पर भी सेशन किया था कि क्या ये दवाइयां हार्मफुल हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि अगर बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर हर महीने इंटीमेट होने के बाद अगर महिलाएं ये दवाई बिना उसके खा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट आने वाले टाइम में आएंगे या आ रहे होंगे। तो सर ये भी एक बड़ा कारण है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और बहुत सारी चीजें समाज में और बाजार में आई हैं जो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। नो डाउट एजुकेशन और जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट रहे हैं, चाहे आशा वर्कर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम भूल रहे हैं, आशा वर्कर्स जो गांव गांव स्लम स्लम पहुंच करके जो किसी विमेन के साथ और गवर्नमेंट की जो मैटरनिटी सेंटर होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करती हैं, उन्होंने जो गांव में जाकर महिलाओं को जो अवेयरनेस दी,